नमस्कार और आप देख रहे हैं एक लैपटॉप एक बार फिर से आपका स्वागत है आज का वीडियो कार्विंग फर्नीचर के बारे में है जिसमें हम आपको काफी सारी डिटेल बताएंगे कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स आप अक्सर लैपटॉप के ऊपर देखते रहे हैं। और इनको हम अक्सर डिटेल में भी बताते रहे हैं आपको कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स जो आज हम आपको दिखाएंगे वो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है रोकोको रेनेसो फ्रेंच इंडियन अरेबिक सबका एक फ्यूजन है इनफैक्ट इट इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया और उसके बाद में फिर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सब कॉन्टिनेंस में ट्रांस माइग्रेट होते रहे बात करेंगे कार्विंग फर्नीचर यूनिट की तो लेट मी टेक यू बैक टू द मेमोरी लेंस एक्चुअली टू एंड हाफ थ्री इयर्स गो बिफोर कोविड इट वाज प्रेडिक्टेड दैट कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स विल पिक अप वेरी वेल और वो हुआ भी पूरे वर्ल्ड ने कार्विंग यूनिट्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया अनफॉर्चुनेटली इंडिया में थोड़ा सा ग्रोथ कम रहा कंपेयर टू तो अदर कंट्रीज और मुझे लगता है उसके लिए काफी लोग रिस्पॉन्सिबल रहे स्पेशली डिजाइन को लेके हम बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं रहे इनफैक्ट आई हैव बीन नोटिसिंग लॉट लॉट ऑफ ऑफ वीडियोस, पीपल मैन्युफैक्चरिंग इन डार्क वॉलनट एंड रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पॉलिश रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक एंड रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कलर्स जिसकी वजह से कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स इंडिया में उतने ज्यादा पसंद नहीं किए जितना कि किया जाना चाहिए था या किए जा सकते थे आज की वीडियो में आपको वो यूनिट्स दिखाएंगे जो सारे यूनिट्स बहुत अपीलिंग है वेरी क्लासी एंड मॉडर्न है न केवल सीनियर सिटीजन मिडिल एज लोग को पसंद आते हैं बल्कि इवन यंगस्टर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस सो कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स री इनवेंटेड री डिसकवर्ड विल शो यू इन दिस वीडियो बट रिमेंबर ये गोइंग टू वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्रीज द कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स आर बिंग क्राफ्टेड सो दैट यू गेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कार्विंग फर्नीचर यूनिट फुल कवर्ड यूनिट्स के कम्पेरिजन में थोड़े से अलग तरह से होते हैं ये एक्सक्लूसिव होते हैं ये डेडिकेटेड होते हैं आपके लिए लिमिटेड यूनिट्स बनते हैं इनके तो इनमें एक एक्सक्लूसिविटी होती है सही जगह से आप इनको खरीदें आज हम है आ रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज दे हैव बीन मैनुफेक्चरिंग ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड फुल कवर्ड फर्नीचर यूनिट्स बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन कार्विंग फर्नीचर यूनिट्स कार्विंग फर्नीचर में एक्सपोज पार्ट होता है वुड का जिसके ऊपर कार्विंग का काम किया जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैनुफैक्चर हैं वो इस चीज को फोकस करें कि सीजन बोर्ड हो जिसकी वजह से आपका कार्विंग फर्नीचर यूनिट किसी भी वेदर में एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट में और वो कॉन्ट्रैक्शन एंड सस्पेंसन की वजह से इसके बैंड ना हो किसी तरह के डैमेजेस ना हो क्रैक्स ना हो राइट सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक इज इम्पॉर्टेंट सो वी हैव कम टू अ फैक्ट्री दैट पेज अटेंशन टू एवरी सिंगल डिटेल लाइक दिस बहुत एक्सक्लूसिव यूनिट है क्योंकि हैंडक्राफ्टेड है मास प्रोडक्शन नहीं होता है इनका दीज आर नॉट मशीन मेड यूनिट्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मैनुफैक्चर दैम देर दे लिव विद यू फॉर एवर

भी हैं मतलब है। है। मतलब आपको अगर अपने को थ्री टू टू चाहिए थ्री थ्री, थ्री चाहिए थ्री वन वन चाहिए तो आपको हर एक चीज में इसमें आपको दिख रही है ठीक है तो लेकिन ये अच्छा जो मेरी क्लाइन ने हमें ऑर्डर किया हैदराबाद से मिस्टर आशी मोहन जी उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के आर्डर किया ये जो उन्होंने लिया है इसमें थ्री एक लिया है टू एक लिया है वन वन के दो लिए हैं एक डिवाइडर लिया है तो और उन्होंने जो लिए सारे सारे ये बढ़िया

पहले मतलब इसमें कई सारे प्रोसीजर मैंने पहले भी में दिखाया आपको कि पहले लकड़ी की कटिंग होती है फिर लकड़ी जोड़े रखा जाता है फिर कार्विंग की जाती है जी। फिर पॉलिश फिर कुछ नहीं कई तरीके से काम होता है तो उसके बाद प्रोसेस ठीक है दूसरा मटेरियल जो इसमें यूज हुआ है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है बात नहीं करेंगे थर्ड मटेरियल जो है वो है फैब्रिक और फैब्रिक का जो रब काउंट है रब्स है आप ही के पास में स्टोर है आपके पास आने से पहले मैं गया था मैंने उनको पूछा कि की क्या, so क्या जो मार्टेंडल रब्स यूज हो रहा है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाले फर्नीचर यूनिट है जी। तो इसका इस फेब्रिक भी मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग स्टडी होना चाहिए हम जो यूज कर रहे हैं इसमें जकार्ड एंड स्वेट का कॉम्बिनेशन राइट चलिए ओके सेंटर टेबल पे क्या मटेरियल यूज किया हमने सर ये कंप्लीट ओनिक्स है हम्म उसके ऊपर इनर वर्क है जी एसएस का ओपेरिश्टो पॉलिश वो पौलिश हो रखी है ठीक है डन पिछली बार अपनी बात हुई थी कि ओनिक्स जितने भी ओनिक्स हैं जितने भी नेशनल मार्बल स्टोन है वो लग्जरी फर्नीचर में जाते हैं स्पेशली दे वर मेड फॉर कार्विंग फर्नीचर राइट सर चलिए इसका प्राइस की बात करेंगे सर इसका ओरिजिनल प्राइस था फोर्टी फाइव थावेंट पर सीट अभी इसको द्वारा हमने अच्छा पंप किया सो, सोफे को और अच्छा इसको प्रमोट कर रहे हैं तो हमें ट्वेंटी पच्चीस हज़ार पर सीट सर पच्चीस हज़ार रुपये पर सीट हाँ जी और सिंगल सीट हमारे इसमें काउंट जो होगी वन एंड हाफ में काउंट होती है सर सिंगल सीट चलिए ठीक है ये वन एंड हाफ में होती है जो सिंगल सीट है डिवाइडर भी हमारा अकाउंट होता है डिवाइडर जो है और थ्री सीट थ्री में यूनिट जनरली विशाल जी आर प्रेफर्ड बाय द पीपल हैव प्लेस इन जिनके पास काफ़ी एम्पल स्पेस अवेलेबल होता है उनके लिए और जो रॉयल थीम क्रिएट करना चाहते हैं वो कार्विंग में भी दो तीन तरह के होते हैं फ्रेंच है और अरेबिक है और इंडियन है इसका ओरिजिन एक्चुअली देखा जाए तो कहते हैं कि इंडियन भी था इनमें एक दो चीजें हैं जिनका खास ख्याल रखना है जैसे फॉर एक्जाम्पल आपको कापेट है वो अपना इंडियन स्टाइल का या फिर फ्लोरल रखना है इसके आप मॉडर्न मत रखिए और जितने भी लाइटर टोन में रखेंगे उतने अच्छे दिखाई देंगे ज्यादा गोल्ड अभी ट्रेंड में इतना है नहीं जी लेकिन कुछ लोगों को गोल्ड पसंद है लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो काफी जिनके पास स्पेस है और गोल्ड को लोग जो नलीफाई करते हैं या उसको मिनिमाइज़ करते हैं उसका वो वाइट से करते हैं तो फैब्रिक आप हमेशा लाइट टोन में रखें राइट चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट आइए क्या कॉन्सेप्ट बनाया हमने किसके लिए ये सर मेरे क्लाइंट है उन्होंने अपने डॉटर के लिए लिया हैदराबाद से हैं जी उनकी दो डॉटर है दोनों बेड लिया पर अलग अलग कर लिया अच्छा ठीक है ना देखेंगे पूरा लिया है जी डबल बेड से साइड टेबल्स अच्छा हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉस ऑफ द रूम जी, इस बेड यस, बेड से हम स्टार्ट करते जी, जी, हैं तो जो हम थीम पकड़ते हैं जब भी किसी की कार्विंग की एंट्री की तो वो हम बेड से स्टार्ट जी, करते जी, हैं राइट जो बेड पे प्रेफर जी, 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 किया जाएगा जी, फिर वही आगे बिल्कुल बेड से ही लेके चलेंगे जो भी हम लेके चलेंगे

किसी अगर हम कार्विंग से कंपेयर करते हैं कार्विंग को ये। तो ये उतनी इसमें ना डेप्थ नहीं है फिंगर वो नहीं इंस्ट्रक्शन फिंगर्स वाले नहीं है ज़्यादा इंटरक्रेसी नहीं है इसमें राइट तो ये मेरे इजी भी होता होगा आप एक डस्टिंग करें साफ हो जाए बिल्कुल क्या ड्रेसर है सर, ओके okay, तो ये एक बेडरूम कॉन्सेप्ट है क्विकली एक छोटा सा टिप दे दें इसमें लूवर्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और स्टोन का पीछे अवॉइड करना है जो आपका बेस रहेगा पीछे हेडबोर्ड की तरफ वो मेरे ख्याल में सबसे मोस्ट प्रेफर्ड है वॉलपेपर वो टेक्सचर में रखें क्योंकि आपका बेड जो है वो हाईलाइट होगा जो पूरा का पूरा दिस थ्रू आउट दिस

और uh, प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा इसका आइडिया दे दें अलग अलग सर अब जैसे आप चाहेंगे कस्टमर चाहेंगे वैसे वैसे है इसके अंदर ठीक है ना तो वाटर प्रूफ है हमारी ऑलमोट थ्री थाउजेंड uh, रुपीज पड़ रही कार्विंग के अंदर uh -huh. बेड हमारा वन ट्वेंटी का है uh -huh. और ड्रेसिंग टेबल सिक्सटी फाइव थाउजेंड बेड आपने कितना बताया वन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ विद्स चलिए ठीक है लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ एंड सेट इज रेडी Right. So, दिशाल जी सो एलिगेंट, है लुक्स लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम हमेशा बोलते हैं में, yes. कि जब भी आप फर्नीचर यूनिट खरीद रहे हैं जी तो ये बहुत ज़रूरी है विजुलाइज करना कि वो आपके घर में प्लेस होने के बाद में कैसे दिखेंगे विद द अदर थिंग्स नाउ यू हैव टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स आपने वो लाइट्स चेक कर दिए नो प्रॉब्लम आई विल गो अड विशाल जी टू टर्न इट ऑन प्लीज़ पुट ऑल द लाइट्स ऑन बहुत अच्छा रोमांटिक एटमोसफेयर क्रिएट हुआ था बिल्कुल अभी भी ऐसे ही है और मैं इसको जब आपने बताया कि इसको ऐसे करके कर अंधेरे में देखते हैं

ऐसा किया कि तो उनका गोल्ड भी आ जाए और हमारे मन का सिल्वर भी आ जाए सोफे के अंदर ठीक है तो दोनों मिक्स करके हमने गोल्ड और सिल्वर का दोनों कॉम्बिनेशन करके बनाया हम तो ये ऐसे निकल के सेट आया कि मतलब कमाल सेट निकल के आया सारे बहुत सुंदर निकल के आया वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है ये डिस्पाइट इट्स बीइंग सो ह्यूज इन लार्ज इन साइज जी इट इज नॉट लुकिंग लार्ज बिकॉज़ ऑफ द फैब्रिक

थीक थीक है। औ, औ, और में जब बोलते थे कि जी, अच्छी है। जी बिल्कुल और इसमें जो फैब्रिक है वो ब्रांड का नाम आप लेना चाहें तो ले सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांड्स इन इंडिया काफी सर बिल्कुल चलिए प्रीमियम सेगमेंट का फैब्रिक है फिर बता दें आपको दीज आर एक्सपेंसिव यूनिट्स दीज आर द प्रीमियम सेगमेंट यूनिट्स काफी सारे लोगों के हिसाब से तो इसलिए जरूरी है कि फैब्रिक से ना करें ऑलवेज गो फॉर गुड फैब्रिक इसके अंदर फैब्रिक के अंदर देखेगा ना सेम हमने जो फैब्रिक और पॉलिश कलर दोनों आपने मैच किया है जैसे जो पॉलिश कलर है वो फैब्रिक का कलर है सिल्वर और उसमें भी गोल्ड है और हमारे पॉलिश में सिल्वर गोल्ड है तो दोनों वापस में मैच करा गया सर चलिए रियल ऑनिक्स भी कर सकते थे हम ऑल्टरनेटिव लेकिन हमारे यहाँ पे कॉम्पोजिट ऑनिक्स है जो हमने टेबल टॉप दिया हुआ है अगर इसको रियल ऑनिक्स करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी कॉस्ट की बात निकली तो क्विकली इसका कॉस्ट बता दें फिर दिन वील गो टू नेक्स्ट वन नाउ सर इसका ओरिजिनल प्राइस था फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज फोर्टी फाइव था पर सीट पर सीट था अभी इसको हम लेके आए जो

भी हम कितने दिखाएंगे दिस माई ऑल टाइम फेवरेट बहुत खूबसूरत है ये जनरली आई डोंट हैबिट ऑफ थिंग्स इट मे साउंड मगर बहुत सुंदर है एंड आई दिस वन फॉर एक्जिंग इसकी एक एक डिटेल जो है ना वो बात करने लायक है बिल्कुल यू टर्न ऑन द ऑल द लाइट्स थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आपसे ले लें पहले इसके बारे में कहाँ से ओरिजिन है क्या मटेरियल है क्या डिजाइन आइडिया है देन वील टॉक अबाउट इट बताइए सर ये सोफा थ्री टू टू है जी और आप देखेंगे इसका कार्विंग वर्क फिनिशिंग वर्क पॉलिश कर एंड इस बात के बारे में बताता बता कि जो इसकी फिनिशिंग है वो हर यहाँ पे इजी नहीं है करना बनाना इंडिया में इंडिया में सर तो ये क्या है यस सर दिस इम्पोर्टेट वन और ये इसके लिमिटेड पीस हमारे पास अवेलेबल है अच्छा और इसमें कोई कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है जी ओके सॉलिड वुड का इम्पोर्ट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट नॉट ईजी चलिए एंड अब क्योंकि इम्पोर्टेड है तो मुझे से और पूछने होंगे part, उनके स्टैंडर्ड हमारे डिफरेंट होते हैं जी 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 right? तो राइट वो मुझे छोटा सा अपडेट देंगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सो द द्वेश्चनिंग पार्ट क्या क्वेश्चन है ये सर जो है सारा जगाड़ है हुँ. और उसमें विद गोल्ड और जो पॉलिश का जो कलर है उसका कलर मैच किया आप देखेंगे इसके जो खासियत बात यही है जो इन्होंने किया है ऑफ वाइट विद गोल्ड सिल्वर जो इसके अंदर फैब्रिक के अंदर कलर है वो सारे के सारे इसकी पॉलिश में लग गए हैं डार्क लाइट ऑल कलर्स ठीक है ना ठीक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका लेग जो लेग वर्क है ना सर वो वो डिफरेंट है बिल्कुल ओके जो मुझे अच्छा लगा क्विकली बता दूं मैं मुझे अच्छा लगा ये साइज़ की वजह से क्योंकि इनके स्केल्स काफ़ी बड़े हैं जी मुझे अच्छा लगा इंट्रोकेसी की वजह से कि इनका जो डिटेलिंग है वो काफ़ी क्लियर है थर्ड जी। चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो यह है कि बैक साइड से भी बहुत अच्छा है इसके अंदर क्वेश्चन क्लाइडिंग है प्रॉपरली फेब्रिकेशन वर्क इज डन ऑन द बैक साइड बिकॉज जनरली दिस काइंड ऑफ़ सोफाज आर विजिबल फ्रॉम

फैब्रिक hmm. आप लाउड फैब्रिक बिल्कुल नहीं चल रहे हैं सॉलिड कलर में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जी ये देखिए इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कितना इतना सटल एंड सोबर है बिकॉज इसका फैब्रिक का कलर जो है वो काफी म्यूटेड एंड मैट फिनिश में है काफी जो है म्यूटेड कलर है बिल्कुल सर इसको कभी भी काफी सारे लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स लाइक रेड येलोज एंड ग्रीन एंड ब्राउन अवॉइड दैट

so so this 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 product is 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 luxury because this is available in in limited numbers in our country so yes. this is exclusive material we have already spoken about सो दिस प्रोडक्ट इज लगजरी बिकॉज दिस इज अवेलेबल इन लिमिटेडर्स इनक्रइस तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप जो कह रहे हैं और सच में इस बार ऐसा ही करना है एक बार मार्केट पूरा बोला कि जिसका कम रजट भी है घर पर लेके जाऊंगा सर इसके सोच कर लाए हैं तो एक्चुअल थारो थर्टी hmm. थाउजेंड पर, पर, पर जी, जी, जी. Right. और उसके बाद फिर जो आपके थ्रू आ रहा है hmm. हमारे पास, उसको hmm. हम दे रहे हैं और सर, पहले तीन सोफाइर hmm. okay. हाँ. nice sure so जैसी ये आपकी वीडियो अपलोड होगी hmm. इसके सारे से बुक हो जाएंगे

जिसको कार्विंग सोफा चाहिए उसके लिए उसको स्पेस बहुत चाहिए लेकिन ये ऐसा सोफा गहरा सोफा है जहाँ पे स्पेस की भी बहुत जरूरत नहीं है ठीक है ठीक है इसका छोटा रूम है वो भी ले लेता ले है इसका रीजन क्या है ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ अच्छा पहले देखेंगे इसको हमने एकदम स्ट्रेट बनाया गया है इसके आर्म्स बैग दोनों इक्वल रखी गई है जी और बिल्कुल स्ट्रेट बनाया गया है फिर इसमें कार्विंग भी बहुत लिटल कार्विंग करी गई है एक छोटा सा मिडल में फ्लावर दिया गया बाकी बिल्कुल सिंपल हमने इसमें कार्विंग करी है चाहे इसके हम

तो कभी भी आपने जैसा आप, आप हमेशा खुद बोलते हैं कभी भी अगर आपका स्पेस कम है तो आप हमेशा फ्लोर क्लिन ज्यादा लीजिए बिल्कुल ठीक है ना ठीक तो, उस बार बार तो उसके लिए फिर फ्लोटेड सोफाज तो होंगे राइट राइट टचिंग नहीं हो सकते बिल्कुल है ना हाँ तो ये हमेशा मेरे ख्याल से हर एक पे अपलिकेबल है सबको इस चीज़ का खास ख्याल है बिल्कुल तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है जब आपके पास स्पेस कम हो और उसके बाद यह कि जब आपका मन हो कार्विंग लेने का चाहे आप वो तो ऑब्वियसली जब कार्विंग ले तो ये लेंगे आप लेकिन आपको स्पेस कम है जब भी आप ये लेंगे और आपको अगर स्ट्रेट लाइन लेना है जब भी आप ये ले सकते हैं

इसका हाइटेट बहुत ज्यादा नहीं होने की वजह से ना अपर हाफ ऑफ अप द रूम वो ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है आपको जी फॉर एग्जाम्पल शोल्डर शोल्डर लेवल से लेके और सीलिंग लेवल तक यू गेट लॉड ऑफ स्पेस लॉर्ड ऑफ स्पेस फॉर द एयर स्पेस काफी बड़ा दिखेगा एक बात है उसके बाद हर इसकी हाइट कम जब कम, कम होने के बाद भी ये बड़ा कम्फर्टेबल है, हाँ। उसका क्या है? इसके अंदर की

कार्बिन फर्नीचर में जनरली आप देखें तो जकार फैब्रिक जो टेक्निक है उसके बने हुए फैब्रिक यूज होते हैं ऑफ 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 फ्लोरल कर्व्स है ना जी। जी। तो जो अच्छी क्वालिटी का जो अगर आप जकार यूज करेंगे तो जी। जी। वो बहुत हार्श नहीं होगा जी सॉफ्ट होगा उसका टच एंड फील इज वेरी इंपॉर्टेंट हम हमेशा अच्छा बोलते हैं जी की कि किसी भी फर्नीचर यूनिट में टच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट टच दैट कम्स विद विद फैब्रिक राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ फैब्रिक दैट इज बिलोंग्स टू द प्रीमियम सेगमेंट इफ इवन इफ स्पेशली मैन इट इज जका जकार टू बी प्रीमियम सेगमेंट जी now coming back to this conversation you started with that you said that that it's for the space saving concept so for the space saving concept it's good to have a sofa with very muted and very earthy color tones right. rather than going for blues and darks and greens right. and basics primary right. colors always do that right this, this is this is a french style sofa mm. dekhenge french ah, style more like french yeah. very true uh, aap iske andar de legs dekhenge wo sirf jo, jo uh, gulai hai uska mm. usme mm. mm. carving hai mm. aur solid, ha, solid wood ka bana hua hai na pure hai haan ji bilkul solid wood mein hai this is solid pure wood बट जिसमें काम कर रखा है वो एज बहुत सुंदर ब्यूटीफुल होम जैसे बना रखा है आर्म्स को लेग को बना बना रखा रखा है जैसे एक सुंदर सा घर ठीक बात है डन एक और दो तीन चीजें पार्ट है जो क्लासिक यूनिट के हैं सबसे वो लाइक तो वुड कार्विंग इंट्रोकेसी जकार्ड फैब्रिक फ्लोरल प्रिंट स्वेड इज इन टच इन फील इंड थर्ड इज दार्बल मार्बल मार्बल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गो फॉर मार्बल बिकॉज मार्बल इज ओनली दटीरियल दैट गोज विद क्लासिक फर्नीचर यूनिट्स नेवर विद द मॉडर्न पीपल आर यूजिंग इट इन द मॉडर्न एज वेल लेकिन

प्लेन ग्लास और यू गो फॉर द स्टोन लाइक दिस राइट चलिए आज तो मोर ऑफ अ पॉडकास्ट हो गया उठाया भी नहीं वहां से तो ये थ्री सीटर टू सीटर सिंगल सीटर और लाउंजर शेप में बन जाएगा बिल्कुल एंड आई थिंक यू हैव मेड दिस इन एल कॉर्नर एज वेल यस इसको आपने एल कॉर्नर में भी बनाया है ना जी सर क्योंकि एल कॉर्नर एक जो फॉर्मेट है वो काफी कंफर्टेबल उन लोगों के लिए जिनके पास स्पेस कम होते हैं तो वो लोग एल कॉर्नर भी ले सकते हैं प्राइस प्राइस सर इसका सबसे हमने रेट क्योंकि सबके लिए जा रहा है तो हमने रेट प्राइस ऐसे रखेंगे सबको सब इजीली सब ले सके इसको जी ठीक है ना क्या प्राइस है इसका इसका सर पहले था प्राइस थर्टी थाउजेंड अभी था निकाल दिया ट्वेंटी के अंदर लेट मी कम क्लोज टू यू जी सर, एक बार आपसे फिर से पूछेंगे क्या प्राइस बताया इसका ओरिजिनल प्राइस थर्टी थाउजेंड सीट था अभी हमने इसको निकाल दिया ट्वेंटी वन थाउजेंड पर सीट में सर इक्कीस सीट में इक्कीस हज़ार रुपये पर सीट जी सर चलिए ठीक है डन विल गो टू द नेक्स्ट वन अगला कॉर्नर कार्विंग सोफा जी एक्चुअली एल कॉर्नर के अंदर कार्विंग बहुत देर आते हैं सर जी तो उसके अंदर हमने जो बनाया है बिल्कुल सिंपल ज़्यादा हैवी नहीं करके बिल्कुल कार्विंग सर एल कॉर्नर बनाया है जी और उसमें डिफिकल्ट जॉब होती है इसके कॉर्नर में मिलाना सर अच्छा आप देखेंगे इसे कॉर्नर इस तरीके से मिलाए गए कि आपको ज्वाइंट भी दिखाई नहीं देगा इसके अंदर और जो उसके अंदर आर्म्स में काम किया है वो भी सर आप देखेंगे तो देख के बहुत सुंदर काम किया वेरी नाइस बहुत अच्छा ये भी सॉलिड वुड में है प्रॉपर जी ओके नाइस ज्वाइंट का मेजर कंसर्न होता है विशाल जी प्लीज काम जी जी जनरली क्या होता है ये तीन या चार पार्ट्स में होते हैं ना जी ये कितने पार्ट में थ्री पार्ट्स के अंदर है एक टू तो हीटर है एक एयर कॉर्नर है और एक तो हीटर है अच्छा जी और इसकी ब्यूटी जो है वो उसके लेग्स भी हैं जी बिल्कुल लेग्स में भी थोड़ा सा काम किया हुआ है देखेंगे बिल्कुल सिंपल और फिर फैब्रिक भी बिल्कुल इसमें बिल्कुल लाइट कलर लगाया गया है और उसके अंदर हल्का गोल्ड और सिल्वर दोनों का इसके अंदर है सर देखिएगा जी जी ठीक बात है एल uh, कॉर्नर में बीच का जो मेटल सीट होता है जनरली उसको लेके लोगों के कंसर्न होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है वो ज़्यादा बैठने के काम नहीं आता ये हर बैठने इसमें बैठ भी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कर्व दिया गया है अच्छा पॉइंटेड नहीं इसकी जो कॉर्नर है पॉइंटेड नहीं दिया गया तो बिल्कुल इसमें सेंटर जो कॉर्नर उसमें बैठ सकते हैं आप चलिए ठीक है यहाँ पर हमने कौन सा फैब्रिक यूज़ किया हुआ है दो चिकार्ड फैब्रिक है और प्लस स्वेट फैब्रिक है इसके अंदर ठीक है डन अब क्योंकि इसमें वोट का वक्त ना थोड़ा सा ज्यादा है तो कंसर्न लोगों के क्रैक्स को लेके भी होते हैं कि जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर होगा तो क्या इनके क्रैक्स में कुछ है चांसेस कि ये खराब हो सकता कोई है, है कोई जी, अच्छा क्योंकि सीजन वुड होती है इसलिए चलिए ओके

ठीक है डन दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी साइज एनी लेंथ जी एंड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट डेप्थ हैज टू बी गुड अदरवाइज एल कॉर्नर सोफा बिल्कुल सर कंफर्टेबल इसका आम कप के अंदर और बैठने में देखें, comfortable hmm. देखें, आप देखेंगे बहुत कंफर्टेबल है देखेंगे आप बैठे तो बिल्कुल कंफर्टेबल कम्फर्टेबल होगा ठीक है क्या प्राइस रेंज है चलिए सर एलकॉर्नर सोफा जो है वन ट्वेंटी का है एक लाख बीस हज़ार रुपये का है। एक लाख बीस हज़ार रुपये जी चलिए एक टेप इससे रिलेटेड है कि क्योंकि में जो है ना, जी। में, जी। इसके अच्छे लगेंगे या फिर बेज कलर जी। और तो कलर ले लीजिए कॉन्ट्रास्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अपोजित कॉन्ट्रास्ट राइट सर प्राइस बताया था लाख बीस हज़ार का जितना सीटर है ये सर सेवन सीटर है थ्री में काउंट करते हैं बस टू सीटर कहता हूं टोटल 7 सीटर हो गया 7 सीटर चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट वन नाउ स्लोली इफोरिकली कहते हैं ना कि धीमे-धीमे आपका मोमेंटम बढ़ता जा रहा है बिल्कुल सर विल नॉट टेक मच टाइम बट दिस डिजाइन इज गोइंग टू टेक ऑल आईज ऑन राइट राइट सर राइट वेरी नाइस ये कहां right. से बनाया है मंगाया है सर ये दिस इज इंपोर्ट ऑफ ट्रक टर्की और सारा यहां पे असेंबल हुआ हमारी फैक्ट्री के अंदर वेरी नाइस बहुत अच्छा आई जस्ट लव दिस डिजाइन राइट एंड नियो क्लासिकल क्लासिकल तुर्किश नियो क्लासिकल न्यू चाइनीज इट है ठीक है ना जो उसके अंदर फिनिशिंग वर्कमैन शिप चाहे वुड की हो चाहे फैब्रिक की हो हर एक चीज़ की टॉप मोस्ट क्वालिटी की गई है सर ये वेरी नाइस nice. ये कहां के लिए है सर so, ये भी सेम एक डिजाइनर उनके लिए कहां पे वेरी मुंबई सर ओके okay, से कितना बड़ा उनका ऑर्डर है काफी बड़ा ऑर्डर सर उनका

सर ये फिलहाल हम देंगे ट्वेंटी पर पर सीट। सीट। okay, था तो ये सर हमारा जो है ये सारा डिस्पैच एरिया जी यहाँ पे हमारा लास्ट में क्वालिटी चेक होता है कि हम क्यों एन सी होता है कि कुछ कमी है तो उसको हम ठीक कर सकें ठीक है सर तो इधर हमारे जो सारा सामान देख रहे हैं डिस्पैच के लिए वो पैकिंग के लिए रखा हुआ है वो पहले हमने सबको फिटिंग करके चेक किया है उसकी पॉलिश फिनिशिंग सब चेक करी है इसके अंदर आप देखेंगे इससे जितने बैठे सारे सारे जाने के लिए रखे हुए हैं

हाँ नीचे जो डाइनिंग सोफा देखा है उसी का ये डाइनिंग टेबल हरी है अच्छा। ठीक है ना सेम बिल्कुल नेक्स्ट सर इसका ये एक कंसोल है उसके बाद फिर एक बेड है ये भी हमारा

So, प्रोसेसिंग तरीका क्विकली ताकि आपके लिए लिए और कंज्यूमर के लिए हो, क्या करना है? जी सर सिंपल तरीका है आपके जो वीडियो में बना देखे जो भी हमारे लैपटॉप देखे वो उसको उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजे और हम अपना एड्रेस भेजें हम उसको बुक करेंगे सर उसका बीस बुक बीस बुक के अंदर अपना साइज बताएगा सारे क्लाइंट्स क्लाइंट बुकिंग करी ऐसे की आपकी जो आज सॉरी हमारी वीडियो आई थी वाली उसको बहुत लोग पसंद किया और उन्होंने कई लोगों ने ऑर्डर किया उसका देख के सर ओके यू वांट टू से थैंक टू देम रियली रियली थैंक्स टू एवरीबॉडी तो जिन्होंने हमें बुक किया था सारा सामान हमसे चलो टाइम टू से गुड बाय थैंक यू वेरी मच जी। सी यू बाय मोर फिल